हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। फ्रेंड्स देखिए, इस वीडियो के अंतर्गत हम करने वाले हैं, देखिए 2018 में जो पेपर आया था, देखिए फर्स्ट जो पेपर होता है उसमें 50 क्वेश्चन जो जीके वाले होते हैं उनको हम देखने वाले हैं यहाँ पे। तो फ्रेंड्स इस पेपर के माध्यम से आपको आइडिया लग जाएगा किन किन टॉपिक से जो है फर्स्ट पेपर में जीके के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए चलते हैं इसमें। और फ्रेंड्स देखिए, आप जो है कमेंट करके बताएं आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ, और ट्राई करिए कि आप जो है कितने क्वेश्चन इसमें से जो है सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे ये है, देखिए उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? म्यांमार, जापान, भारत या नॉर्वे? तो देखिए, उगते हुए सूरज का जो देश कहा जाता है वो कहा जाता है जापान को। बी ऑप्शन इसमें सही होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे आगे है क्वेश्चन, देखिए किस संविधान संशोधन के द्वारा मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटा के जो है 18 वर्ष कर दी गई थी इसमें? तो देखिए ये है संशोधन से संबंधित, तो ये जो है कौन सा संशोधन था? ये था 61वां संविधान संशोधन 1989 में जो हुई हुआ था। देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे संशोधन की बात करें तो देखिए 2017, 18, 19 में भी जो आया था, तो 2020 में भी जो है आएगा देखिए संशोधन से। ये क्वेश्चन है पॉलिटिसी से है देखिए आपका। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे 42वां संविधान संशोधन, 42 आएगा। इसके बाद 44वां इंपॉर्टेंट है देखिए आपका। इसके बाद है आपका यहाँ पे 61वां संविधान संशोधन भी, ये भी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे इसके बाद जो है एक है 86वां संविधान संशोधन। देखिए आपका 42वां जो संविधान संशोधन था इसको जो है लघु संविधान भी जो है कहा जाता है, और बहुत सारे जो है इसमें बदलाव हुए, अमेंडमेंट किए गए इसमें जो है इसके द्वारा 42वें संविधान संशोधन के। इसके बाद जो है यहाँ पे 44वां जो संविधान संशोधन है ये है संपत्ति का जो अधिकार पहले मूल अधिकार था उसको जो है बदलाव करके कैसा बनाया गया, अब उसको जो है कानूनी अधिकार जो है उसको बनाया गया, कानूनी अधिकार। अब देखिए संपत्ति का अधिकार जो है कानूनी अधिकार है, वैधानिक अधिकार है, तो अब जो है मौलिक अधिकार ये नहीं है। ये जो है इसमें जो संशोधन से संबंधित क्वेश्चन होते हैं आते ही आते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे 61वां जो संविधान संशोधन है वो देखिए 21 से घटा के 18 वर्ष कर दी गई थी मताधिकार की आयु, ये 61 के द्वारा। इसके बाद देखिए 86वां संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है देखिए इसमें। इसमें क्या था, देखिए 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा जो है दी जाएगी इसमें। ये जो है बालक का क्या है, एक प्रकार से मौलिक अधिकार है ये। तो इसमें जो है ये संशोधन जो है आपका देखिए इसमें वैसे 7 है 31 है, इसमें 42 है 44 है 61 है और 86, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए आपको मैं संविधान में जो वीडियो आएगी उसमें वहाँ पे जो है कराऊंगा उसमें। इसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। देखिए विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है कब मनाया जाता है ये? तो ये मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ये विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को। अगर आपसे पूछा जाए कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो शिक्षक दिवस मनाया जाता है, अगर आपसे सीधा सीधा पूछा जाए तो देखिए वो मनाया जाता है 5 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। अगर बात आए देखिए विश्व शिक्षक दिवस की, तो जो नेक्स्ट उसमें मंथ आएगा 5 सितंबर के बाद अक्टूबर, तो उसमें ये जो है अक्टूबर में मनाया जाएगा इसमें। इसके बाद देखिए यहाँ पे आगे क्वेश्चन है, देखिए इसमें हिस्ट्री से है क्वेश्चन, किसके द्वारा खालसा पंथ की जो स्थापना की गई है वे गुरु कौन से है? देखिए गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, गुरु हरगोविंद, गुरु नानक। तो देखिए इसमें जो खालसा पंथ की स्थापना की गई ये की गई थी गुरु गोविंद सिंह के द्वारा, इसमें हो जाएगा बी ऑप्शन सही होगा इसमें। देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आते हैं देखिए इसमें गुरु से संबंधित, देखिए इसमें ये जो गुरु है देखिए गुरु तेग बहादुर, इनकी जो हत्या करवाई थी वो करवाई थी औरंगजेब ने। देखिए इसमें किसने करवाई थी? औरंगजेब ने। तो आप इसको जो है नोट कर लीजिए फ्रेंड्स, देखिए औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर की, तो आप यहाँ पे देखिए इसमें अटैच कर सकते हैं, बै आ रहा है इसमें, इसके बाद भी यहाँ पे बहादुर में भी बै आ रहा है। इसके बाद देखिए एक गुरु और थे इनके, गुरु अर्जुन देव, देखिए कौन थे? अर्जुन देव। उनकी हत्या किसने करवाई थी? तो कौन से मुगल शासक थे? वो थे जहांगीर। कौन थे? जहांगीर। तो देखिए ये इसमें भी जय है और इसमें भी जो है यहाँ पे जय है, तो आप इसको देख सकते हैं। देखिए औरंगजेब ने करवाई गुरु तेग बहादुर की, और अर्जुन देव थे जो गुरु उनकी करवाई थी जहांगीर ने। इसके बाद देखिए यहाँ पे ये ज्योग्राफी से क्वेश्चन है, देखिए इसमें भांगड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है? भांगड़ा नागल जो परियोजना है वो है देखिए सतलज नदी पर, इसमें हो जाएगा बी ऑप्शन सही होगा इसमें। देखिए इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पे देखिए
जो सतलज नदी है देखिए इसमें, इसका उद्गम स्थल भारत से बाहर है, यानी कि भारत में इसका उद्गम स्थल नहीं है इसमें। इसके बाद देखिए यहाँ पे ये जो है ताप्ती नदी, ये कहाँ से निकलती है, ये निकलती है मध्य प्रदेश में, जो अमरकंटक की पहाड़ी है वहाँ से निकलती है इसमें। साथ ही साथ देखिए अगर इसकी बात की जाए तो देखिए महानदी की, तो इस पे जो है एक बांध बना है हीरा कुंड। हीरा कुंड किस नदी पे है, महानदी पे है उड़ीसा में। इसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन है, देखिए ज्योग्राफी से सूर्य ग्रहण कब होता है, देखिए सूर्य ग्रहण कब होता है, तो यहाँ पे देखिए सूर्य ग्रहण कब होता है, तो इसका जो आंसर होगा, देखिए इसका जो आंसर होगा ये होगा इसमें डी ऑप्शन, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। यानी कि इसमें आपका देख लीजिए, इसमें सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे चंद्र ग्रहण की। देखिए इसमें चंद्र ग्रहण की जो कंडीशन होती है वो होती है ये, देखिए आपका सूर्य और यहाँ पे चंद्रमा के बीच जब जो है पृथ्वी आ जाएगी इसमें, तब होगा चंद्र ग्रहण। इसके बाद यहाँ पे देखिए सूर्य ग्रहण की कंडीशन होगी इसमें जो का, तो यहाँ पे देखिए आप ऐसे इसको याद भी कर सकते हैं। देखिए इसमें ये जो है आपका सूर्य ग्रहण में आगे चला जाएगा आपका जो ये है आपका सन इसमें, तो ये जो कंडीशन होगी ये होगी आपकी चंद्र ग्रहण की, सॉरी सूर्य ग्रहण की इसमें। इसके बाद यहाँ पे आगे क्वेश्चन है NCTE है, देखिए इसकी जो फुल फॉर्म है क्या है, तो इसकी जो फुल फॉर्म है ये है इसमें नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, इसमें सात का हो जाएगा ए ऑप्शन इसमें सही होगा। देखिए इसमें इसके बाद आगे क्वेश्चन है, ये देखिए ये भी हिस्ट्री से है, देखिए जैनवाद के अनुसार कितने तीर्थकर है, देखिए जैन के कितने तीर्थकर हुए कुल, तो कुल जो तीर्थकर हुए वो हुए इनके 24 तीर्थकर हुए। देखिए अगर बात की जाए तो देखिए यहाँ पे एक पहला बूझा जाता है ज़्यादातर, एक बूझा जाता है यहाँ पे 23वां और जो है 24वां या अंतिम। देखिए यहाँ पे जो अगर प्रथम की बात करें तो यहाँ पे देखिए प्रथम थे ऋषभ देव, कौन थे प्रथम थे ऋषभ देव, 23वें थे पार्श्वनाथ, कौन थे पार्श्वनाथ, और जो 24वें थे वे थे महावीर स्वामी। तो आप इसको जो है नोट भी कर सकते हैं, वैसे आगे हिस्ट्री में कराया भी जाएगा इसमें। इसके बाद देखिए यहाँ पे आगे क्वेश्चन है, ये ज्योग्राफी से चूना पत्थर परिष्कृतीकरण के बाद परिवर्तित होता है, किसमें ये जो है बदलता है, तो ये जो बदलता है ये बदलता है मार्बल में, इसमें हो जाएगा नो का ए आंसर होगा इसमें सही होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे आगे क्वेश्चन है, देखिए ये इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है, एक बैंक शेड्यूल्ड बैंक कहलाता है यदि एक नामीकरण है जो कभी सरकारी व सहकारी बैंकों के लिए प्रयुक्त किया जाता है, या इनमें से कोई नहीं, या इसके बाद इसमें देखिए इसका जो आंसर होगा, देखिए यह RBI एक्ट 1934 की द्वितीय अनुसूची में जो है शामिल है, तो ऐसे बैंक क्या कहलाते हैं, शेड्यूल बैंक कहलाते हैं। देखिए इसमें होगा डी ऑप्शन इसका होगा सही इसमें। देखिए यहाँ पे जो 11वां क्वेश्चन है ये है पॉलिटी से, देखिए भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है इसमें, तो इसके लिए करते हैं यहाँ पे 12 सदस्य, जो कला विज्ञान साहित्य के क्षेत्र में जो है अग्रणी है एक प्रकार से। यहाँ पे अगर बात करें तो देखिए लोकसभा में, तो लोकसभा में करते हैं 2, और इनको कहा जाता है एंग्लो इंडियन, क्या कहा जाता है इसमें एंग्लो इंडियन कहा जाता है, और राज्यसभा में किया जाता है 12 सदस्यों को। देखिए इसमें लोकसभा में 2 और 12 आपका राज्यसभा में। इसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में बुकर पुरस्कार जो है जीता जाता है इसमें, या जो है दिया जाता है, ये कथा साहित्य फिक्शन राइटिंग में जो है इसमें जीता जाता है, इसका 12 का ए ऑप्शन होगा सही इसमें। इसके बाद देखिए यहाँ पे चौथा खंबा संप्रत्यय संवर्ध जो है संदर्भित करता है, किसको करता है, न्यायपालिका, प्रेस, विधायिका या कार्यपालिका को, ये करता है इसमें प्रेस को, इसमें हो जाएगा बी ऑप्शन होगा इसमें सही इसके बाद। इसके बाद देखिए ये भी हिस्ट्री से क्वेश्चन है, देखिए आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी और आपका जो इकोनॉमिक्स है, देखिए फर्स्ट पेपर में ये ही क्वेश्चन ज़्यादातर जो है पूछे जाते हैं इन सब्जेक्ट से, और साथ ही साथ देखिए 6 से 7 क्वेश्चन पूछा जाता है करंट अफेयर्स से। देखिए आपका इसमें भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, देखिए पॉपुलर क्वेश्चन है आपका, तो भारत का जो नेपोलियन कहा जाता है वो कहा जाता है समुद्रगुप्त को। देखिए इसमें और ये जो है एक प्रकार से सबसे शक्तिशाली ये जो है गुप्त सम्राट था इसमें। देखिए इसके बाद देखिए यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो देखिए मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, जो नंद वंश के अंतिम शासक थे घनानंद को हरा के इसमें। इसके बाद देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय जो है इनको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य है, देखिए इनको जो कहा जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय भी कहा जाता है इसमें, और इन्होंने जो है विक्रम संवत की जो है स्थापना की इसमें। और ये जो अशोक थे, देखिए चंद्रगुप्त मौर्य,
के पुत्र थे बिंदुसार, और बिंदुसार के जो पुत्र थे वो थे अशोक। इसमें इसके बाद आगे क्वेश्चन है, देखिए शोभना गुरटू प्रवर्तक है। देखिए ये किसके प्रवर्तक है, तो ये जो प्रवर्तक है ये है ठुमरी के। देखिए ठुमरी। इसके बाद आगे क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे सौर मंडल के किन ग्रहों को निकृष्ट ग्रह के रूप में जो है जाना जाता है, निकट के ग्रह इसमें। तो देखिए सबसे निकट के ग्रह जो है वे है बुध एवं शुक्र। देखिए सबसे पास में, देखिए अब यहाँ पे देखिए इसमें, अभी मैं ज्योग्राफी में वैसे कराऊंगा, अभी यहाँ पे देखिए सन है, इसके बाद कौन सा है, देखिए ये है बुध, इसके बाद शुक्र, इसके बाद है पृथ्वी, इसके बाद है मंगल, इसके बाद आपका बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। देखिए आप इसको याद भी कर सकते हैं, बूसु पर मम्बस आओ। तो इस प्रकार से देखिए आपसे अब कुछ भी पूछा जाए तो देखिए आप सभी क्वेश्चन आप हल कर दोगे। देखिए सूर्य के सबसे पास के या आपके निकट ग्रह कौन से है, देखिए बुध है, शुक्र है। अगर इसके बाद बात की जाए तो देखिए यहाँ पे सबसे पास में कौन सा है, तो बुध है। सबसे छोटे की बात की जाए तो बुध है। सबसे बड़ा कौन सा है, तो ये है आपका बृहस्पति। देखिए आपसे इनका जो है ये ग्रह है, इनका कर्म भी पूछा जा सकता है। देखिए आपका कि इनका जो है कर्म लगा, ये चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे इसमें। इसके बाद देखिए आपके जो सूर्य के पास के ग्रह है इनको कहा जाता है आंतरिक ग्रह या निकृष्ट ग्रह। देखिए ये कैसे है आंतरिक ग्रह, ये बाद के जो चार ग्रह है ये है आपके बाह्य ग्रह। देखिए इसमें आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, देखिए आपके आंतरिक ग्रह इनमें से कौन सा है या बाह्य ग्रह कौन सा है इसमें। इसके बाद देखिए जो नौवां ग्रह माना जाता था वो देखिए प्लूटो को जो है कहा जाता था, वो 2006 में जो है ग्रह की श्रेणी से जो है निकाल दिया गया था इसमें। इसके बाद देखिए ये जो है पास के जो ग्रह, देखिए बुध और शुक्र इनका कोई भी उपग्रह नहीं है। इसके बाद देखिए पृथ्वी का एक उपग्रह है, वो है आपका चंद्रमा। देखिए मंगल के है दो, फेबोस और डिबोस इसमें। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो बृहस्पति के सबसे ज्यादा उपग्रह है इसमें। तो आपके काफी सारे क्वेश्चन इससे हल हो सकते हैं अगर आप ये जो है इस प्रकार से आप करोगे। देखिए इसमें इसके बाद देखिए जो रेटिनोल का सामान्य नाम है वो क्या है। देखिए रेटिनोल का सामान्य नाम है तो वो है विटामिन ए का। देखिए अगर बात की जाए विटामिन सी की तो इसको कहते हैं एस्कार्बिक एसिड इसमें, और डी की बात करें तो इसको कहते हैं कैल्सीफेरोल इसमें। इसके बाद आगे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए पाक जल डमरू मध्य अलग करता है दो देशों को, किन किन को करता है, तो ये करता है देखिए भारत और श्रीलंका को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए वैसे अगर देखा जाए तो देखिए पाक जल डमरू लग रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच ही होगा, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच ये नहीं है। तो ये जो है देखिए मैप में जब अभी मैं ज्योग्राफी में कराऊंगा तो वहाँ पे ये है आपका भारत और श्रीलंका को जो है भी इसमें अलग किया जाता है इसके द्वारा। इसके बाद देखिए ये पॉलिटी से क्वेश्चन है, देखिए आपका संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग, देखिए यहाँ पे नाम क्या दिया है इसमें, निर्वाचन आयोग के विशेष अधिकार जो है इसमें निहित है, तो इसमें है 324 में, अनुच्छेद 324 जो है किससे संबंधित है, निर्वाचन आयोग से है। इसके बाद अगर बात की जाए तो देखिए 280 ये हो जाएगा आपका वित्त आयोग, वित्त आयोग से संबंधित। इसके बाद अगर बात की जाए तो देखिए यहाँ पे 356 की, तो इसके द्वारा जो लगता है देखिए ये लगता है राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन। देखिए अभी यूपी टेट में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वप्रथम देखिए इसमें 356 का जो प्रयोग है देखिए या राष्ट्रपति शासन लगा है, तो ये जो लगा है ये लगा पंजाब में, लेकिन उसमें ऑप्शन गलत दिए थे इसमें। तो आपका ये क्वेश्चन था पॉलिटी से। इसके बाद देखिए पोंगल जो है एक त्यौहार है कहाँ का है, तो पोंगल है देखिए यहाँ पे तमिलनाडु का, ए ऑप्शन होगा सही। इसमें देखिए आपके नृत्य है त्यौहार से भी संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं देखिए इसमें। इसके बाद देखिए वर्ष 2014 में भारत का कौन सा राज्य 29वां राज्य बना था, तो ये जो बना था ये बना था तेलंगाना। देखिए और तेलंगाना के साथ साथ जो है आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है देखिए 10 वर्षों के लिए जो है घोषित किसको की गई थी, वो की गई थी हैदराबाद को। देखिए हैदराबाद। इसके बाद देखिए आपका आगे क्वेश्चन है, देखिए आपका ये वर्ल्ड पॉलिटी से है। इसमें देखिए जापान की संसद का नाम क्या है, तो जापान की जो संसद का नाम है वो है डायट। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसके बाद अगर बात की जाए तो देखिए सोरा किसकी है, सोरा है पाकिस्तान की।
16 है पाकिस्तान की। इसके बाद है ओमान की राजधानी कहाँ है, तो ओमान की जो राजधानी है वो है मस्कट, इसमें हो जाएगा 23 का हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी, इसमें राइट होगा इसमें। इसके बाद आगे क्वेश्चन है, देखिए बिहू किसका जो है मुख्य त्यौहार है, तो बिहू है असम का, देखिए किसका है असम का है इसमें। इसके बाद है भारत के संविधान के अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किस में है, तो मौलिक कर्तव्य का वर्णन है देखिए इसमें अनुच्छेद 51 ए कह सकते हैं आप इसको, या 51 के भी इसको कह सकते हैं। देखिए अगर यहाँ पे देखिए, सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे अगर बात की जाए अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, इसमें आते हैं मौलिक अधिकार या आपके मूल अधिकार। देखिए इसमें इनकी संख्या कितनी है, इनकी संख्या है 6 है इसमें। इसके बाद देखिए आते हैं, इसके बाद 35 तक हो गए, 35 के बाद आएगा आपका 36, 36 से लेके 51 तक जो आता है वो आते हैं नीति निदेशक तत्व, इसको मैं तत्व लिख देता हूँ इसमें तत्व। इसके बाद देखिए 51 के बाद आएगा आपका 51 क्या, इसमें जो है आप कह सकते हैं 51 क्या या 51 ए, इसमें आ जाएगा आपके कर्तव्य, कर्तव्य। देखिए अब देखिए मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, 6 है इसमें। इसके बाद मौलिक जो कर्तव्य है वे कितने हैं, मौलिक कर्तव्य है 11, मौलिक अधिकार है 6, मौलिक कर्तव्य 11 है। मौलिक अधिकार कहाँ से ले गए हैं, तो ये ले गए अमेरिका के संविधान से, अधिकार ऐसे, अधिकार ऐसे अमेरिका हो जाएगा। तत्व लिए गए कहाँ से, ये ले गए आयरलैंड से, और कर्तव्य मौलिक कर्तव्य ले गए रूस के संविधान से, कर्तव्य कर, यहाँ पे रे आ रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा रे से हो जाएगा आपका रूस। तो देखिए इसमें, इसके बाद देखिए विटामिन सी की कमी से कौन सा होने वाला रोग है, तो देखिए ये जो रोग है ये होता है स्कर्वी। देखिए इसमें अगर बात की जाए तो बेरी बेरी की, ये होता है विटामिन बी की कमी से। इसके बाद अगर की जाए तो बात यहाँ पे पेलाग्रा, ये होता है विटामिन बी फाइव की कमी से, देखिए विटामिन बी फाइव की कमी से। इसके बाद देखिए यहाँ पे आगे ये जो है ऑस्टियो मलेशिया, ये अभी क्वेश्चन उसमें भी पूछा गया था यूपी टेट में, आपका जो जूनियर वाला टेट होता है उसमें पूछा गया था, इसकी कमी से किसकी कमी से होता है, ये होता है विटामिन डी की कमी से, देखिए इसमें। इसके बाद देखिए आगे जो क्वेश्चन है ये करंट अफेयर से जोड़ता हुआ क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स का, इसमें देखिए सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु संयुक्त राष्ट्र द्वारा कौन सी अवधि निर्धारित की गई है, ये जो अवधि निर्धारित की गई है ये की गई थी इसमें देखिए 2016 से 30 तक की, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए आप इसको जो है नोट भी कर सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो है आगे क्वेश्चन है कैलाश सत्यार्थी संबंधित है, देखिए कैलाश सत्यार्थी आपने सुना होगा, ये देखिए इस एक जो है एक प्रकार से ये इन्हें जो है नोबेल पुरस्कार मिला था, कब मिला था 2009 में जो है इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ये जो दिया गया था ये दिया गया था देखिए इसमें शांति के लिए। अब देखिए शांति के लिए यहाँ पे जो है इसमें बाल अधिकार इसमें आ जाएगा इसका आंसर, इसमें बचपन बचाओ आंदोलन से ये संबंधित थे, इसमें इसमें जो है बाल अधिकार के लिए, बाल बच्चों के अधिकार के लिए जो है इनको जो है नोबेल पुरस्कार जो है इसमें दिया गया था। देखिए अब इसके बाद आगे क्वेश्चन है, देखिए चिपको आंदोलन, देखिए काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है, देखिए चिपको आंदोलन कब चला गया था, ये चला गया था 1973 में, देखिए ये स्टार्ट जो हुआ था, देखिए ये हुआ था उत्तराखंड के जो है उत्तराखंड से हुआ था इसमें, और ये जो है महिला कौन थी, तो वो थी गोरा देवी। अगर बात की जाए तो देखिए सुंदर लाल बहुगुणा और जो है चंडी प्रसाद इसमें जो है व्यक्ति थे इसमें। देखिए ये जो है वनों की कटाई के विरुद्ध ये चलाया गया था। इसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन है, देखिए किसने सन 2016 में भारत का अंतिम पृथक रेल बजट जो है पेश किया था, ये जो है अंतिम रेल बजट ये पेश किया था किसने अलग, ये किया था सुरेश प्रभु के द्वारा इसमें। तो देखिए करंट के कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन आएंगे 50 में से आपके, थोड़ा 10 से 12 क्वेश्चन भी वैसे हो सकते हैं देखिए जैसे ट्रेंड चल रहा है अब। इसके बाद देखिए आपका क्वेश्चन है आगे, देखिए भारत का राष्ट्रपति बनने से पूर्व श्री रामनाथ कोविंद कहाँ के राज्यपाल थे, तो रामनाथ कोविंद जी जो राज्यपाल थे वो थे बिहार के राज्यपाल थे राष्ट्रपति बनने से पहले। देखिए अब देखिए बात करें तो सबसे पहले जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, वो भी बिहार से ही थे, कहाँ से थे बिहार से थे, बिहार से थे। इसके बाद देखिए जो प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे या दूसरे भारत के राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन,
सॉरी जाकिर हुसैन जो थे भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। पहले थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरे थे राधा कृष्ण और तीसरे जो राष्ट्रपति थे वे थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। इनकी जो है कार्यकाल के दौरान ही जो है वो मृत्यु हो गई थी इसमें। इसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, फ्रांसीसी क्रांति का सही नारा क्या था? तो फ्रांसीसी क्रांति का जो सही नारा था वो था इसमें हो जाएगा आपका स्वतंत्रता, हो जाएगा इसमें स्वतंत्रता, समानता और जो है भारत, इसमें हो जाएगा इसमें सी ऑप्शन होगा इसमें सही। इसके बाद देखिए ये भी करंट अफेयर से क्वेश्चन था। देखिए निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने रियो पैरालंपिक्स 2016 में ऊंची कूद में जो है स्वर्ण पदक जीता था? ये जो जीता था ये जीता था इसमें मरियप्पन थंगावेलु ने इसमें। तो करंट अफेयर से भी क्वेश्चन आने वाले हैं। इसके बाद देखिए देखिए यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 33वां, न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी चर्चा में रहे क्योंकि वह उस समय जो ये चर्चा में थे, देखिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के लिए जो है पुनर्निर्वाचित ये जो है हुए थे इसमें। देखिए तो यहाँ पे देखिए ये करंट अफेयर से क्वेश्चन था ये भी। इसके बाद देखिए यहाँ पे आगे जो क्वेश्चन है, देखिए ये भी हिस्ट्री से क्वेश्चन है। देखिए को भारत में सर्वाधिक पुराना जो है ग्रंथ माना जाता है? देखिए सबसे जो प्राचीन है पुराना ग्रंथ है वो है देखिए ऋग्वेद। देखिए ऋग जो आपका वेदों की संख्या है वो कितनी है? चार है। सबसे पहले हो जाएगा आपका ऋग्वेद हो जाएगा, इसके बाद सामवेद, इसके बाद यजुर्वेद, इसके बाद था आपका अथर्वेद। देखिए अथर्वेद से क्वेश्चन पूछा गया था देखिए 2017 में भी, जो औषधि या जादू टोना है वो किससे है? वो है अथर्वेद से। जो यज्ञ है देखिए यज्ञ है कर्मकांड है वो है यजुर्वेद से। जो संगीत है वो है आपका सामवेद से। इसमें देखिए वो है आपका ऋचाओं या रचनाओं से संबंधित, देखिए इसमें आपका हो जाएगा ऋग्वेद आपका, ये सबसे प्राचीन जो है वो ग्रंथ था इसमें। इसके अलावा देखिए यहाँ पे बात करें तो देखिए महाकाव्य भी पूछा जाता है। देखिए महाकाव्य कौन कौन से? देखिए आपका आपका हो जाएगा महाभारत हो जाएगा और जो है रामायण हो जाएगा देखिए इसमें। इसके बाद देखिए आपका यहाँ पे ये दर्शन दिया है इसमें, देखिए ये पूछा गया था 2000 इसमें आपका 18 में, सॉरी देखिए इसमें 19 में पूछा गया था। न्याय दर्शन के जो प्रवर्तक है वो कौन है? न्याय का है गौतम। देखिए कौन है? गौतम। देखिए इसके बाद देखिए किसी प्राणी की ज्ञानेंद्रिया उसे सहायता प्रदान करती है? देखिए ये करती है उसको जो है उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करने में, तो इसका हो जाएगा डी ऑप्शन सही होगा। और देखिए फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाए और कमेंट करके जाए आपका कितना क्वेश्चन आपका राइट हुआ। देखिए यहाँ पे इसके बाद देखिए यहाँ पे खाली स्थान है, को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है? देखिए हरित क्रांति के जनक दो माने जाते हैं, देखिए एक विश्व में और एक भारत में। देखिए आपका जो विश्व में है वो है आपका डॉक्टर नॉर्मल बोरलॉग। कौन है? नॉर्मल आपका बोरलॉग। देखिए और भारत में है SS स्वामीनाथन। अगर क्वेश्चन आए देखिए ये घुमा फिरा के हर साल क्वेश्चन आता है। देखिए अगर बात की जाए तो देखिए अगर सीधा सिंपल क्वेश्चन पूछा जाए कि हरित क्रांति के जनक, तो हो जाएगा आपका नॉर्मल बोरलॉग हो जाएगा। अगर पूछा जाए भारत में हरित क्रांति के जनक, तो हो जाएगा आपका स्वामीनाथन। देखिए ये जो कुरियन है देखिए ये है आपका श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन। देखिए या डॉक्टर वी कुरियन आपका, ये हो जाएगा श्वेत क्रांति के जनक। देखिए श्वेत क्रांति आपका जो है दुग्ध से संबंधित है। इसके बाद देखिए जस्टिन ट्रूडो जिन्होंने फरवरी 2018 में भारत की यात्रा की, प्रधानमंत्री कहाँ कहते थे? ये आपको बताना है। देखिए ये जो प्रधानमंत्री है देखिए ये कहाँ के है? कनाडा के। कहाँ के? कनाडा के। इसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा नाटक विलियम शेक्सपियर द्वारा नहीं लिखा गया? तो विलियम शेक्सपियर के द्वारा जो नाटक नहीं लिखा गया ये जो है वो है आर्म्स एंड दी मैन। इसमें देखिए बाकी जो जूलियस सीजर है, हेलमेट है, एज यू लाइक इट है, ये सभी जो है इसमें शेक्सपियर के द्वारा लिखे गए हैं। और देखिए भारत का जो शेक्सपियर कहा जाता है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, वो कहा जाता है कालिदास को। किसको कहा जाता है? कालिदास को कहा जाता है इसमें। इसके बाद आगे क्वेश्चन है देखिए आपका, इसमें राष्ट्रीय प्रतिरक्षा संस्थान स्थित है? राष्ट्रीय प्रतिरक्षा जो संस्थान स्थित है वो है आपका नई दिल्ली में। कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। अगर पूछा जाए देखिए इसमें अलग अलग क्वेश्चन जो है आपका, अगर पूछा जाए
इसके बाद 2020 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश में किया जाएगा। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए इसमें ये 40वां जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर होगा कहाँ खेला जाएगा, ये खेला जाएगा आपका जापान में। देखिए इसमें तो आपके करंट अफेयर से देखिए 18 में भी क्वेश्चन पूछे गए, 19 में भी पूछे गए थे, और देखिए 2020 का जो एंट्रेंस होने वाला है इसमें भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें। इसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन है, देखिए आपको बीमारी और इनका जो कारण है उसमें मिलान करना है। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं ये आपका, आपको एक या दो भी मालूम है तब भी इसका जो है हो जाएगा। देखिए सबसे पहले पता है हमें यहाँ पे एनीमिया, एनीमिया जो इसमें लोहो की कमी, देखिए इसमें इसका हो जाएगा डी का हो जाएगा, चार ऑप्शन सही। डी में देखिए अब चार किस में आ रहा है, देखिए डी में चार ना तो इसमें आ रहा है, ना इसमें आ रहा है, ना इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है। देखिए आपका ये यहीं से आंसर जो है आप निकाल लिया आपने, देखिए इसमें तो 41 का हो जाएगा सी ऑप्शन सही होगा। अब यहाँ पे बाकी भी मैच करके देख लीजिए, ए का हो जाएगा 3 आपका, यानी कि रिंग वर्म जो आएगा वो मिलेगा फंजाई से। इसके बाद बी पे है यहाँ पे 1, यानी कि मलेरिया प्रोटोजोआ, और कोलेरा हो जाएगा इसमें बैक्टीरिया। बाकी ये जितने भी बीमारियाँ हैं उसका आपका वीडियोज है वो जब उसमें साइंस करा जाएगा वहाँ पे ये हो जाएगा। इसके बाद देखिए निम्न में से कौन राज्य हड़प नीति से संबंधित है, ये अभी जो हिस्ट्री नेट का एग्ज़ाम दिया था उसमें भी ये क्वेश्चन आया था और पॉपुलर क्वेश्चन है। देखिए राज्य हड़प नीति, देखिए इसमें इसमें जो है ये किससे संबंधित है, ये है लॉर्ड डलहौजी से, किसमें लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है। और देखिए इन्होंने जो ये राज्य हड़पे थे, देखिए लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ही हड़पे गए। देखिए इसमें इसमें पूछा जाता है कि सबसे पहले किसको हड़पा गया, देखिए वो हड़पा गया था सतारा को, सतारा, इसके बाद संभल, इसके बाद बगाहट, उदयपुर, इसके बाद झांसी, अब इसमें इसके बाद तो ये आपका सतारा, संभल, बगाहट और आपका उदयपुर और आपका झांसी, तो ये इनके द्वारा हड़पे गए। और देखिए इसके बाद जो है क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वप्रथम भारत में रेल कब चली, इसमें देखिए वो चली थी 1853 में लॉर्ड डलहौजी के समय, आपका कहाँ से कहाँ तक, मुंबई और ठाणे के बीच, कब चली थी मुंबई और ठाणे के बीच, कहाँ कहाँ पे, मुंबई और ठाणे के बीच। इसके बाद देखिए मार्ले मिंटो, यहाँ पे जो लॉर्ड मिंटो संबंधित है वो है मार्ले मिंटो सुधार से, मार्ले मिंटो सुधार कब हुआ था, 1909 में हुआ था। देखिए मार्ले मिंटो सुधार, मिंटो नो और नो, मिंटो इससे हो जाएगा संबंधित। इसके बाद जो है यहाँ पे लॉर्ड कर्जन, अगर आपने पढ़ा होगा, देखिए लॉर्ड कर्जन इन्होंने किया था बंगाल का विभाजन, कब किया था बंगाल का विभाजन, वो किया था 1905 में, देखिए बंगाल का विभाजन। इसके बाद लॉर्ड रिपन है, देखिए इनको जो है स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, स्थानीय स्वशासन का जनक, देखिए आपका। तो देखिए आपके 15 से 16 यहाँ पे ये जो है इसमें ये गवर्नर थे आपके, ये वायसराय थे, ये जो आए थे इसमें, तो इनको एक वीडियो सेपरेट वीडियो होगा उसमें कंप्लीट हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा उससे। देखिए इसके बाद यहाँ पे निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, तो यहाँ पे देखिए प्रिंटर है जो इनपुट डिवाइस नहीं है, ये है आपका आउटपुट, बाकी ये जो है आपका कैमरा है, कीबोर्ड है, ये माउस है, ये सारे के सारे जो है इनपुट डिवाइस है इसमें। इसके बाद यहाँ पे देखिए हिंदी फीचर फिल्म पद्मावत, देखिए काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है, देखिए पद्मावत की रचना जो है किस लेखक की रचना आधारित है, इसमें देखिए ये है मलिक मोहम्मद जायसी, इसमें सी ऑप्शन होगा सही, देखिए इसमें। इसके बाद देखिए ये जो है अबुल फजल, इनके द्वारा लिखा गया था आईने अकबरी, आईने अकबरी लिखा गया था इसमें। और जो है अमीर खुसरो, आपको पता ही है, देखिए इसमें जो है भारत का, इसमें जो है इनको तोता कहा जाता था, या तोता ए हिंद इसको जो है कहा जाता था। इसके बाद देखिए यहाँ पे आगे क्वेश्चन है, देखिए सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, देखिए किसने किया था, ये पॉपुलर क्वेश्चन है, कब किया था आक्रमण, ये किया था 1025 ईस्वी में, देखिए 1025 ईस्वी में ये किया था महमूद गजनवी के द्वारा, इसमें देखिए। अब देखिए यहाँ पे इसके बाद अगर बात करें तो देखिए इसमें सबसे पहले जो मुस्लिम आक्रमणकारी थे वो थे मोहम्मद बिन कासिम थे, इसमें देखिए इन्होंने किया था राजा दाहिर पर, ये किया था 712 ईस्वी में, देखिए सर्वप्रथम अगर पूछा जाए मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था तो वो था मोहम्मद बिन कासिम था, देखिए 712 में। इसके बाद देखिए कौन आए, देखिए इसके बाद आया यहाँ पे मोहम्मद गोरी, गोरी ने 2-3 युद्ध लड़े, देखिए आपका जो पहला युद्ध लड़ा था वो लड़ा था देखिए गोरी के द्वारा,
थोड़ा सा इसको ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट इसके क्वेश्चन है। देखिए 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन प्रथम युद्ध हो जाएगा इसमें। इसके बाद 92 में लड़ा देखिए तराइन का द्वितीय युद्ध, उसको कहा जाता है निर्णायक युद्ध। ये देखिए जो पहला युद्ध था वो लड़ा था आपका पृथ्वीराज चौहान के बीच, और पृथ्वीराज चौहान जो है उसमें विजय हो गए थे और जो है गोरी उसमें हार गए थे। इसके बाद देखिए जो दूसरा युद्ध हुआ इसमें गोरी की जीत हुई, कौन जीते? गोरी जीते। इसके बाद एक और युद्ध लड़ा गोरी ने देखिए, वो लड़ा था 1194 में, देखिए 1194 में वो लड़ा था चंदावर का युद्ध, चंदावर का युद्ध देखिए, जयचंद और गोरी के बीच वो युद्ध हुआ और इसमें जो है जयचंद जो है वो हार गया और यहाँ पे गोरी की जीत हुई। इसके बाद देखिए ये दर्शन से क्वेश्चन है, दर्शन से क्वेश्चन आना ही आना। देखिए ये आपका हिस्ट्री का टॉपिक है। देखिए साख्य दर्शन का प्रतिपादक, देखिए साख्य दर्शन का जो प्रतिपादक माना जाता है वो माना जाता है कपिल मुनि को, साख्य को हो जाएगा कपिल मुनि देखिए, और गौतम को माना जाता है न्याय का, न्याय का हो जाएगा गौतम, न्याय का गौतम हो जाएगा देखिए, साख्य का कपिल मुनि, और देखिए पतंजलि को माना जाता है योग का, किसका? योग का हो जाएगा आपका पतंजलि, न कि बाबा रामदेव। देखिए ये ऑप्शन में आता है, कई बार आ चुका है एग्जाम में। देखिए योग का हो जाएगा पतंजलि हो जाएगा इसमें, और आपका साख्य का हो जाएगा कपिल मुनि, और न्याय का हो जाएगा गौतम, और वाल्मीकि के बारे में आपको पता ही है देखिए, वाल्मीकि के बारे में। इसके बाद ये पुस्तक से क्वेश्चन है, देखिए प्रसिद्ध पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? तो ये है दादा भाई नेहरू जी। देखिए आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखिए, और दादा भाई नेहरू जी थे वो देखिए, कांग्रेस की स्थापना कब हुई? वो हुई थी 1885 में, और इसकी जो अध्यक्षता की वो की थी डब्ल्यू सी बैनर्जी ने, किसने? डब्ल्यू सी बैनर्जी या व्योमेश चंद्र बैनर्जी। इसके बाद देखिए दूसरा जो इनका अधिवेशन हुआ वो हुआ था 1886 में, और इसमें जो है दादा भाई नेहरू जी जो है अध्यक्ष बने थे, यानी कि जो दादा भाई नेहरू जी थे वो प्रथम पारसी थे, देखिए प्रथम पारसी अध्यक्ष बनने वाले। इसके बाद देखिए निम्नलिखित में से जो है, निम्न में से कौन सी पत्रिका हिंदी पत्रिका सरस्वती के संपादक रही है? सरस्वती के जो संपादक रहे हैं वो रहे हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, इसका हो जाएगा बी ऑप्शन सही होगा इसमें। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो है मदर पुस्तक किसने लिखी? मदर पुस्तक ये किसके द्वारा लिखी गई थी? ये लिखी गई थी इसमें मैक्सिम गोर्की ने इसमें, इसका हो जाएगा डी ऑप्शन होगा इसमें सही आपका। देखिए कम से कम देखिए रचना से आपका जो क्वेश्चन आना है फर्स्ट पेपर में भी, देखिए वैसे तो जीके का ये पोर्शन है देखिए आपका 50 क्वेश्चन का, तो इसमें देखिए 5 से 6 क्वेश्चन आराम से रचनाओं से तो आ ही जाते हैं, और करंट अफेयर, करंट अफेयर भी आप 7 से लेकर 10 क्वेश्चन तक उम्मीद है, करंट अफेयर्स पे भी थोड़ा सा फोकस रखिए आप, जहाँ से आपको अच्छा लगे वहाँ से, वैसे आपके पास 1 या 2 आपके पास मैगजीन हो तो ज़्यादा बेहतर है, वैसे यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे चैनल है आपको जो आपको हेल्प करेंगे करंट अफेयर्स के लिए। इसके बाद देखिए यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है, देखिए वस्तु एवं सेवा कर GST भारत में लागू किया गया, ये GST लागू कब किया गया था? ये जो किया गया था ये किया गया था 1 जुलाई 2017 से, देखिए इसमें आपका गुड्स एंड सर्विस टैक्स आपका हो जाएगा इसमें। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो फ्रेंड्स आप कमेंट जरूर करें, और अपना आप मार्क्स जो है बताएं आपने कितना क्वेश्चन आपने जो है सही किया देखिए। और फ्रेंड्स देखिए लास्ट में यहाँ पे आप सभी के लिए जो है इसमें कुछ इम्पोर्टेंट आपके लिए बातें फ्रेंड्स, देखिए आपका सबसे पहले तो आपके पास जो सिलेबस है आपका, देखिए सबसे पहले आप जो तैयारी करें वो सिलेबस के अकॉर्डिंग करें। आपको पता है देखिए 4 पोर्शन आपके, देखिए आपका सबसे पहले है हिंदी है, रीजनिंग है आपका, 50 क्वेश्चन आपका जीके का है देखिए आपका, इसके बाद आपका जो है ग्रुप का क्वेश्चन है 50 आपका, आपने बीए किया होगा तो आपके पास हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आएगा, अगर आपने कॉमर्स किया तो आपका कॉमर्स से आएगा, अगर आपने BSc या MSc किया तो आपका वहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स से क्वेश्चन आएगा। तो आप इसके अकॉर्डिंग देखिए फ्रेंड्स आप तैयारी करें, और देखिए यहाँ से आपको अगर चैनल से आपको हेल्प मिलती है तो फ्रेंड्स से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, और साथ ही साथ देखिए आपकी जो रेगुलर है वो क्लास तो आती ही रहेगी उसमें, और अपना आपको जो बुक्स बेहतर लगे तो अपना आप जो बुक्स है वो ले लीजिए फ्रेंड्स। देखिए इसमें आपका जैसे हिंदी के लिए आपका आदित्य पब्लिकेशन है, लूसेंट आपका पब्लिकेशन बहुत बेस्ट है, उसमें आपका जो है कवर हो जाएगा 7 से 8 या 8 से 10 दिन तक जो है
अच्छे से तैयारी करोगे हिंदी का, अच्छे मार्क्स उसमें लाओगे। देखिए उसमें